This channel's content is strictly for educational and informational purposes and does not endorse or promote any form of violence, harm, illegal activities, self-injuries and communal disharmony. सारे कुरान की औकात पता है क्या है मेरे सामने? ये दिस इज औकात ऑफ योर कुरान इन फ्रंट ऑफ मी एक्स मुस्लिम समीर. तुम्हारा अल्लाह कहता है ना इन्ना नहनु नज्जलना व इन्ना लहू लहाफिजून. लेकर हिफाजत, लेकर हिफाजत, जितनी हिफाजत करनी है कर. सिद्धांत चतुर्वेदी नामक एक यूट्यूबर जो एक्स मुस्लिम साम से यूट्यूब चलाता है और वो इस नामाकूल बेशर्म अपराधी ने कुरान शरीफ की प्रतियों को जलाया है, उसकी बेअदबी की है और इसी देश में, इसी भारत के अंदर. और हमारी सरकार और प्रशासन खामोश मूक दर्शक बनकर देखती रही. मुसलमान समाज इस चीजों को देख करके इतना तकलीफ में है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते. हिंदुस्तान के सिर्फ 30 करोड़ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया भर के 250 करोड़ मुसलमानों की आस्था का केंद्र है कुरान शरीफ. और उस कुरान की जब प्रति किसी दुनिया के किसी और देश में जलती है तो पूरे मुल्क में बवाल होता है, पूरे दुनिया में हंगामा होता है. ये इतनी बड़ी बात है कि इसको इतने हल्के में नहीं जाना चाहिए. आप सोचिए कि किसी सिख समाज हो या कोई दूसरे समाज का कोई धर्म ग्रंथ हो, अगर उसके साथ किसी ने जलाने की हरकत की हो तो मुल्क भर में एक बहुत बड़ा इनकलाब बरपा हो जाता. लेकिन क्या मुसलमानों के आस्था को इतने सस्ते में और इतने हल्के में ले लिया गया है? इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं शोएब जमई दिल्ली प्रदेश एमआईएम का अध्यक्ष हूं और हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोग, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए. मैं पूछता हूं कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? और अगर हाँ जाना पड़ेगा तो हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मुद्दे पर. लेकिन ऐसे अपराधी जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को दंगों की आग में भड़काना चाहते हैं, उनको ये इजाजत पता ही नहीं दी जाएगी और कतान हन नहीं देने देंगे. ऐसे लोग ये वो हरकतें कर रहे हैं. क्या आप चाहते हैं कि लोग कानून व्यवस्था को खराब करें? कोई नहीं चाहता. लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्सा है मुस्लिम समाज के अंदर. इसको सरकार को भी और प्रशासन को समझना पड़ेगा. इस तरह की चीजें ये मैंने पहली बार इस तरह से भारत में होते हुए देख रहा हूं और ये बहुत बड़ा मामला बनेगा विश्व स्तर पर. इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को इस पर सख्ती से निपटना चाहिए. यह आपकी जिम्मेदारी है. ये जिम्मेदारी जनता नहीं निभानी चाहिए, ये सरकार को प्रशासन को निभानी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया.